पुराने दौर के खूंखार विलन अभिनेता के तौर पर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने वाले एक्टर आदित्य पांचोली की खतरनाक डायलॉग डिलीवरी और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दमदार थी कि आज भी बच्चे बूढ़े इनकी एक्टिंग देखकर डरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अभिनेता आदित्य पांचोली के खतरनाक किरदारों के बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, पर शायद ही आप इनके परिवार के इतिहास के बारे में कुछ जानते होंगे कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और किस तरह से ये अपने बैकग्राउंड से बाहर निकलकर आज बॉलीवुड का जाना माना चेहरा बन पाए हैं। इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन सब सवालों का जवाब देंगे इस खूंखार विलन के फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकारी देकर। पर उससे पहले वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। साथ ही मुकाबला और तहलका जैसी फिल्मों में खूंखार विलन का किरदार निभाने वाले अभिनेता आदित्य पांचोली ने अपने ज्यादातर सभी फिल्मों में नेगेटिव और विलन के किरदार से ही दर्शकों का दिल जीता है। लेकिन इनकी फैमिली हिस्ट्री शुरू होती है इनके पिताजी से, जिनका नाम है राजन पांचोली, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली में पले बढ़े थे और जिन्होंने कम उम्र में सीधी लड़की अरुणा से शादी कर ली थी, जिनसे इन्हें बेटे सूरज हुए, जिनके लिए ये जीते मरते थे। हालांकि ये इस दुनिया में नहीं है और न ही इनकी कोई फोटो इंटरनेट पर उपलब्ध है। वहीं अब बात करें इनकी मम्मी अरुणा के बारे में, तो वो दुनिया को अलविदा कहकर इन्हें छोड़कर जा चुकी हैं। लेकिन अगर बात करें फैमिली के सुपरस्टार आदित्य पांचोली के बारे में, तो इनका जन्म 4 जनवरी 1965 को मुंबई में हुआ था और यहीं से इन्होंने अपनी सारी स्टडीज कंप्लीट की है। पर हम बता दें कि इनका रुझान हमेशा से ही एक्टिंग की तरफ था, जिसके चलते ये मुंबई में छोटे मोटे रोल्स के लिए बड़े बड़े स्टूडियो में लाइनों में लगा करते थे और भगवान की कृपा से इन्हें साल 1986 की फिल्म सस्ती दुल्हन और महंगा दूल्हा में काम करने का मौका मिल गया, जो बड़े पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। उसके बाद ये कातिल, कब तक चुप रहूंगी, देवता और आया तूफान जैसी एवरेज हिंदी फिल्मों में नजर आए थे, जिससे ये ठीक ठाक पैसे कमाने लगे थे। लेकिन इन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान निर्देशक महेश भट्ट की फिल्म जख्मी जमीन से मिली थी। उसके बाद इन्होंने तकरीब दिल आशिकाना और यस बॉस जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया, जिसमें इनकी एक्टिंग की काफी सराहना की गई थी और ये आखिरी बार साल 2015 की फिल्म हीरो में भी नजर आए थे। वहीं बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में, तो इन्होंने बहुत साल पहले बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री जरीना वहाब के साथ सात फेरे लिए थे, जिनसे इन्हें दो प्यारे बच्चे सूरज पांचोली और सना पांचोली हुए, जो आज काफी बड़े हो गए हैं, जहां पर इनके बड़े बेटे सूरज पांचोली हीरो मूवी से डेब्यू करके बॉलीवुड में अपना नाम बना चुके हैं। वहीं इनकी बेटी सना लाइमलाइट से दूर रहकर अपनी निजी जिंदगी में काफी खुश है। तो दोस्तों, अभिनेता आदित्य पांचोली की फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी दमदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।